राजस्थान के भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पंचायत समिति डी के ग्राम पंचायत सीसवाड़ा के ग्राम विकास अधिकारी कीर्ति कुमार जोशी को गुरुवार को 17,000 रुपयों की रिश्वत लेते पंचायत समिति डी के सामने किया है गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें, अधीक्षक महेश मीणा के अनुसार आरोपी ने ग्राम पंचायत सीसवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह जाटव से ग्राम पंचायत सीसवाड़ा के वित्तीय वर्ष 2019-20 में हुए विकास कार्य की सही ऑडिट करवाने व ऑडिट में कोई कमी नहीं निकलने के साथ रिकवरी नहीं निकालने की एवज में मांगी थी 40,000 की रिश्वत, लेकिन सौदा पट गया 27,000 में, जिसमें से वह 10,000 की रकम बुधवार को कर चुका था प्राप्त। मीणा ने बताया कि आरोपी की पेट की जेब से रिश्वत के 17,000 हो गए बरामद। ब्यूरो की इस कार्यवाही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा के साथ हेड कांस्टेबल रीतराम, रीडर हरभान सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, सुशील कुमार, भोजराज सिंह, दिलीप, विनोद, रितेश, परशुराम, सुरेश, देवेंद्र, विजय सिंह की टीम ने दिया अंजाम। प्रतिनिधि है सीसवाड़ा गांव के, जो डी गलके में हैं, इन्होंने दिनांक 27 तारीख को एसीबी कार्यालय भरतपुर में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी, जिसका मांग सत्यापन कल कराया गया था। दौरान मांग सत्यापन आरोपी ने 10,000 रुपये प्राप्त कर लिए थे और आज पंचायत समिति डी कार्यालय के बाहर 17,000 रुपये रिश्वत के तौर पर लेते हुए इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कीर्ति कुमार जोशी ने यह राशि सीसवाड़ा ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य थे वित्तीय वर्ष 19-20 के ऑडिट को सही करवाने और कोई रिकवरी नहीं निकले, इसकी एवज में इनके द्वारा ये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके क्रम में एसीबी भरतपुर द्वारा आज इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए भरतपुर से संवाददाता अंकुर जादौन की खास रिपोर्ट।